वज़ीर आला मरियम नवाज ने मॉडल बाजार होम डिलीवरी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज का दूसरे शहरों में भी मॉडल बाजार बनाने का ऐलान। बोली, डीसी रेट से कम रियायती कीमतों पर मॉडल बाजार में अशिया दस्तियाब हैं। जिन अजला में मॉडल बाजार नहीं, वहाँ भी बनाएंगे। इन्होंने मजीद कहा, 5 साल पूरे करेंगे, हुकूमत ख़त्म करने की कोशिश की तो आइनी हाथों से निपटेंगे। पीटीआई को वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं गया। एक जमात को नवाजने और एक शख्स को लाने के लिए आइन को रीराइट किया गया। मखसूस नशस्तों पर फहरिस्त जमा कराने का मामला। तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली के लिए मखसूस नशस्तों की फहरिस्त तैयार कर ली। बानी पीटीआई की मंजूरी के बाद फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को जमा कराई जाएगी। ज़राए के मुताबिक सादिया अयूब, रुबीना खान, आयशा भुट्टा के नाम मखसूस नशस्तों के लिए ज़ेरे गौर। यास्मीन राशिद, आलिया हमजा और सनम जावेद का नाम कौमी और सूबाई असम्बली के लिए तजवीज़ किया गया। साबिक वज़ीर तजारत पंजाब एसएम तनवीर का कहना था, महंगी बिजली से आवाम रो रहे हैं, हल निकालने वाला कोई नहीं। लोगों ने कारोबार छोड़कर बैंकों में पैसे जमा करा दिए हैं। महंगी बिजली से फैक्ट्रियां नहीं चल सकती, ताजर बरादरी आगे नहीं बढ़ेंगे तो मुल्क भी आगे नहीं बढ़ेगा। इस वक्त जो बिजली के निर्ख हैं, इससे इंडस्ट्री नहीं चल सकती। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना था, 26 जुलाई को इस्लामाबाद में अवामी धरना होगा। बिजली बिल, पेट्रोल की कीमत और घरेलू अशिया की खरीदारी अवाम के लिए नाकाबले बर्दाश्त हैं। हुकूमत रात की तारीखी में कीमतें बढ़ाती, दिन में अवाम को रिलीफ देने का झूठ बोलती है। सीटीडी की हम दुश्मनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। उसामा बिन लादेन के करीबी साथी को गिरफ्तार कर लिया। डीआईजी सीटीडी के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द अमीनुल हक कलदम तंजीम का सरकर्दा जंगजू है। मुलजम का नाम अक़वामे मुत्तहिदा की आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में भी शामिल है। अमीनुल हक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया।